दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भी फर्स्ट की सेवंथ पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की स्टडी करेंगे, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 और मृत्यु 1850 में हुई थी। दोस्तों, आप दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, पहले इस स्टेंजा की स्टडी करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। लेट एंड सून मीन सुबह शाम या हर वक्त। दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, यानी हम अपनी दुनिया बनाने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। ले वेस्ट मीन बर्बाद करना। धन कमाने और खर्च करने के लिए हम अपनी सारी शक्तियाँ बर्बाद कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर डेट इज आवर्स। हम प्राकृतिक को थोड़ा देखते हैं जो हमारा है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सर्डिट बून। हम नीच काम करने के लिए अपने दिलों को मार चुके हैं। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि हमारा दिमाग हमेशा धन कमाने तथा खर्च करने के विचारों से घिरा रहता है और हमारी सारी शक्तियाँ इस काम में खर्च होती हैं। हम प्रकृति को कोई महत्व नहीं देते हैं। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम इस प्रकृति को देख सकें। हम मुट्ठी भर धन कमाने के लिए अपने दिलों की ख्वाहिशों को छोड़ देते हैं। दिस सी डैट बेयर्स हर बुजम टू द मून। बेयर्स मीन खोलना, बुजम मीन छाती। ये समंदर जो खोल देता है अपनी छाती को चांद के लिए। द विंड्स डैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। हॉलिंग मीन गरजना या साई साई करना। ये हवाएं जो हर वक्त साई साई करती हैं। एंड आर अपगेथर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और हम सोते हुए फूलों की तरह सुस्त हो गए हैं। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन। हम हर एक चीज़ के लिए अपनी धुन से बाहर हो गए हैं। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि समंदर की लहरें समंदर की छाती को फाड़कर चांद की ओर उठती हैं और ये हवाएं 24 घंटे शोर मचाती हुई चलती हैं, मगर हमारे पास इनका आनंद लेने का समय नहीं है। धन कमाने के लालच में हम सोते हुए फूलों की तरह हो गए हैं। हमें अपने आसपास धन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। इट मूव्स अस नॉट। ये हमें प्रभावित नहीं करती। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पेगन सर्कल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। पेगन मीन मूर्ति पूजक या पुजारी। क्रीड मीन धर्म। आउटवर्न मीन प्राचीन। ग्रेट गॉड हे खुदा, बेहतर होता मैं प्राचीन धर्म का एक मूर्ति पूजक होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली मीन घास का खूबसूरत मैदान, जिससे मैं इस खूबसूरत घास के मैदान में खड़ा हुआ होता। हैव ग्लिम्सेस डैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। ग्लिम्सेस मीन झलक या दर्शन। लेस मीन कम। फॉरलॉर्न मीन लाचार। इसके दर्शन करता जो मुझे कम लाचार बनाते। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। समंदर के देवता प्रोटियस को समंदर से निकलता हुआ देखता। और हियर ऑल ट्राइटन बिलो मीन बजना। रेथड मीन फूलों से सजा हुआ। हॉर्न मीन शंख। और टाइटन के फूलों से सजे हुए शंख को बजते हुए सुनता। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि ईसाई होने से तो
मैं एक पुजारी होता जो प्रकृति की हर एक चीज की पूजा करता और इसका भरपूर आनंद लेता। मैं घास के मैदानों के बीच में खड़ा होता और प्रकृति के उन नज़ारों को देखता जो मेरे पास होते। समंदर से निकलते हुए देवता को देखता, ट्राइटन को समंदर को शांत करते हुए देखता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।